हाय, आज मैं हाजिर हूँ मूवी पॉइंट ब्रेक लेकर। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक्सट्रीम स्पोर्ट खिलाड़ी जानी युटाह और उसका दोस्त जेफ अपनी अपनी मोटरबाइकों में डलुआ पहाड़ी की चोटियों में दौड़ लगाते हैं। उनकी यह दौड़ खड़ी खाई से कूद लगाकर सामने की चट्टानी खम्भे की ऊपरी तल में पहुँचना था, पर जेफ काफी दूर लैंडिंग करता है और चट्टान से गिर कर मारा जाता है। 7 साल बाद युटाह FBI एजेंट बनने के उम्मीदवार में चुना जाता है। जल्द ही उसे मुंबई की गगनचुंबी इमारतों से अपराधियों द्वारा हीरे चोरी करने, फिर पैराशूट द्वारा फरार होने की खबर मिलती है। फिर ऐसी ही घटना मेक्सिको में होती है, जहां अपराधी मेक्सिको से गुजरते हवाई जहाज में लदे करोड़ों डॉलर के गठों को आसमान से गिरा डालते हुए वहां की विशाल गुफा में गायब हो जाते हैं। युटाह इन सभी आपराधिक घटनाक्रम के शोध से यह निष्कर्ष देता है कि यह सब एक समान लोगों ने ही अंजाम दिया है, जिसमें ओजाकी आर्ट को पूरा करने की कोशिश में है वह 8 चरम चुनौतियों की फहरिस्त जो प्रकृति की शक्तियों के सम्मान में बनाई गई थी। उनमें से 3 लगभग पूरी हो चुकी थी और युटाह के अंदाजे से वे यह 4थी कोशिश फ्रांस में अभूतपूर्व रूप से उठने वाली बड़ी लहरों में करेंगे। अपने विश्लेषण को प्रदर्शन करने बाद युटाह को खुफिया तौर पर फ्रांस में पापास नामक फील्ड एजेंट के यहाँ भेजा जाता है। दोनों फ्रांस पर पहुँचते हैं और युटाह अन्य की मदद से एक लंबी सुरंग नुमा लहर पर सवार होने निकल पड़ता है। जो ही वह पहुंचता वहीं पहले से एक अन्य सफल लहरों तक पहुंच जाता है, जिसे युटाह के साथ उस अस्थिर लहरों पर छूट देता है। युटाह उन लहरों में जा फंसता है और बेहोश होता है, लेकिन वही सफल वापस लौटकर युटाह को बचा लेता है। जागने पर वह खुद को उस सफल बोधी और उसकी टीम के लोगों में राज चार्जर और ड्रोमेट से मिलता है। वे उसे जश्न का लुत्फ उठाने के लिए छूट देते हैं और तब उसकी मुलाकात पहले से परिचित लड़की सैमसारा से होती है। अगले दिन युटाह उस आदमी को खोजते हुए पेरिस ट्रेन स्टेशन की बदनाम जगह जाता है, जहां उनके ठिकाने पर मिलने की बातें सुन लेता है। बोधी इस पहली मुलाकात में उससे लड़ने की चुनौती देता है और फिर जल्द ही उसे अपने दल में स्वीकार कर लिया जाता है। अपने अगले इम्तिहान की आजमाइश के लिए वे आल्पस के सफर पर चल पड़ते हैं, जहां विंगसूट पहनकर उनको खड़ी चट्टान से कूद लगाकर हवाओं में तैराकी करते हुए द लाइफ ऑफ विंड को पूरा करना है। चारों इस प्रयास में कामयाब होते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त वे सैमसारा के संग गुजारते हैं। और फिर अगले ही दिन 6ठे इम्तिहान के लिए वो लोग बर्फीली चोटी पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचते हैं, जहां से उन्हें बर्फ के तेज ढलानों पर स्नोबोर्डिंग करते हुए उतरना था। वे अपनी निश्चित की जगह पहुंचते भी हैं, लेकिन युटाह को इससे भी आगे जाते देख बाकी भी उसके पीछे चल निकलते हैं, पर चार्जर दूसरी ढलान पर चले जाते हुए खाई से गिर पड़ता है और मारा जाता है। युटाह बहुत निराश होता है। बेस में अल-फरीद की बुलाई पार्टी बाद सैमसारा बताती है कि वह और बोधी दोनों उन्होंने ओजाकी को बचपन से जानते थे, जब उनके माता पिता की मौत हिमस्खलन हादसे से हुई और ओजाकी ने उन्हें रहने को आसरा दिया। वही यह भी बताती है ओजाकी ने तीसरी चुनौती को पूरा कर आगे भी जारी रखा, जैसा कि बाकी विश्वास करते हैं कि वो नहीं बच पाए। दरअसल उनकी मौत चुनौती पूरी करने की कोशिशों से नहीं हुई थी, बल्कि एक बड़ी जहाज ने उनकी जान ले ली, जिसके लिए वेल को उनकी मार से बचाने के लिए वह वेल की पीठ पर चढ़ गए थे। उनकी नाव पर मौजूद उस किशोर बोधी ने कभी सच्चाई बताने का निश्चय किया, लेकिन ओजाकी ने जो आरंभ किया था उसे अंजाम देने का भी प्रण ठान लिया था। अगले सफर में वह एक सोने की खदान पर जाते हैं, जहां बोधी उन विस्फोटकों से धमाका करता है जिन्हें ग्रोमेट और राज प्लांट करते हैं। गिरती चट्टानी मलबों से बचते बचाते हुए युटाह अपने साथ लाए बाइक से बोधी का पीछा करता है। बोधी भाग निकलता जब युटाह बाइक दुर्घटना में खड़े होने की हालत में नहीं रहता। FBI तब बोधी को सहायता देने वाले स्रोत को रोक ही पाती। बोधी को जल्द ही नजदीकी पहाड़ी पर स्थित इटालियन बैंक में लूट रोकने के लिए जाना पड़ता है। युटाह और पुलिस तब लुटेरों को रोक ही लेती है। नतीजतन गोलीबारी में राज मारा जाता है। ज्यों ही दल भागने का रास्ता निकालता, युटाह पीछा करता हुआ उनमें से एक को गोली मारता, जो कि सैमसारा ही होती है। युटाह अगली आजमाइश के पड़ाव को खोज निकलता है। जलप्रपात किनारे वह एकल दुष्कर पर्वतरोहण जिसमें कोई सुरक्षा साधन का उपयोग न हो, वह बोधी और ग्रोमेट को ढूंढ लेता है और पीछा करने के लिए चढ़ाई करता है, लेकिन ग्रोमेट के हाथ बुरी तरह हेंचने लगते हैं और अटक जाता है। अंततः हार महसूस करने पर खुद को गिराकर मार देता है। युटाह शिखर पर बोधी को पकड़ ही लेता है, लेकिन प्रपात में गिरते देख उस पे छलांग लगाता है। ये जाने बिना की आखिरी चुनौती पूरा करने के लिए वह क्या कर सकता है। बोधी को उस 4थी अधूरी चुनौती का पता चलता है, जिस लहर में उसने जानी को डूबने से बचाया। 17 महीनों बाद युटाह उसे प्रशांत महासागर में दूसरी तूफानी लहरों का सामना करते ढूंढ लेता है।
उल्टा उसके अब तक के किए अपराधों की बतौर सजा के लिए बोथी को वापस लेने की कोशिश करता है, पर उसे एहसास हो जाता है बोथी सफिन किए बगैर नहीं मानेगा। दोनों को ही मालूम हो जाता है कि उसके लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। विशाल तूफानी लहरें बोथी को निगल जाती है और यूटा अपने FBI का करियर जारी रखता है। और यहाँ पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।